जेवर का दूसरी बार विधायक बनने के बाद ठाकुर धीरेंद्र सिंह आज पहली बार जेवर प्रेस के कैमरे पर रूबरू हुए। मौका था जेवर ब्लॉक परिसर में क्षेत्र पंचायत की बैठक का। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। दोस्तों, आज ब्लॉक परिसर में हूँ, किसानों से संबंधित एक कार्यक्रम है। जेवर विधायक दूसरी बार बनने के बाद आज पहली बार मेरे कैमरे पर आएंगे। मेरी तरफ से सबसे पहले विधायक जी को शुभकामनाएं हैं पूरे जेवर प्रेस टीम की ओर से। विधायक जी, आज क्या कार्यक्रम है क्षेत्र में? देखिए, आज विकास खंड में बैठक है क्षेत्र पंचायत समिति की, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख साहिबा करेंगी, मुन्नी देवी जी। और चूँकि जेवर में विकास की योजनाएँ आज बनेंगी और अहम कड़ी लोकतंत्र की होती है क्षेत्र पंचायत, उसमें लोगों के उन्नयन के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रस्ताव पारित होंगे, तो इसीलिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। और चूंकि मुझे यहाँ मीटिंग में शिरकत करनी थी, इसलिए आज मैं यहीं बैठकर लोगों की समस्याएं भी सुन रहा हूँ। तो आज का यह कार्यक्रम है, अभी मीटिंग आरंभ होने जा रही है, मैं उसमें जाने वाला हूँ। देखिए, 64% मुआवजे का जो आदेश आया है किसानों के पक्ष में आया है, आप शुरू से किसानों के साथ रहे हैं, क्या कहेंगे उन सभी के लिए? देखिए, 64% तो मिलना ही था, चूँकि ये मामला अदालत के विचाराधीन था सुप्रीम कोर्ट में, और कुछ कंपनियां जो नहीं देना चाहती थी किसानों को मुआवजा 64%, वो गई थी। लेकिन हम लोग यह तय कर चुके थे चुनाव से पहले भी और बाद में भी, कि अदालत अगर किसानों के खिलाफ भी निर्णय देती है तो चूंकि यह उनका वाजिब हक है, हम सरकार से आदेश पारित कर किसानों को उनका हक दिलवाएंगे और 64% दिलवाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने किसानों की व्यथा को सुनते हुए किसानों के पक्ष में निर्णय लिया है, तो ये बहुत अच्छा हुआ। काफ़ी प्रकरण लंबित थे तीनों प्राधिकरणों में, अब सुचारू रूप से 64% किसानों को उनका हक मिलने लगेगा। जेवर एयरपोर्ट की अगर बात करें तो जेवर एयरपोर्ट के कार्य में कितनी गति आएगी और कब तक गतिविधि तेज होने की संभावना लग रही है? जो उन्होंने सबलेट करने जा रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन का काम, उसकी बिड हो चुकी है और कंपनी वरीयता के आधार पर यह निर्धारित कर रही है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसमें बनाए जाने में इंटरेस्ट जाहिर किया है, टाटा, L&T और एक कंपनी और है, तो उनका बैकग्राउंड देखकर ज्यूरिख वाले यह तय करने जा रहे हैं कि कौन कंपनी समयबद्धता के साथ और गुणवत्ता युक्त कार्य करके इस एयरपोर्ट को बना पाएगी। मैं समझता हूँ या तो कर लिया होगा कंपनी ने, या बहुत जल्दी वो सेलेक्ट कर लेंगी कौन सी कंपनी, टाटा, L&T या अन्य तीसरी एक कंपनी और है, वो इस जेवर एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को करे। एक सवाल और आखिरी, ये रास्ते की जो प्रॉब्लम आ रही है, जो रास्ता बीच से बंद हुआ है, क्या इसका कोई पुख्ता समाधान भविष्य में होने की संभावना लग रही है, विकल्प कोई इसका? निश्चित तौर से इस बारे में सरकार के संज्ञान में लाया जा चुका है, जो भी कनेक्टिंग रोड है इसको छोड़ते हुए, जैसे एक जो रजवाहा है हमारा इनायतपुर वाला, उसके लिए शासन से वार्ता हो चुकी है, उसे हम शीघ्र बनवाने जा रहे हैं। और जो भी लिंक रोड है, जैसे तिरथली होते हुए जाता है जेवर रबूपुरा दयानाथपुर मार्ग, इसका भी हमने प्रस्ताव भेजा है चौड़ीकरण का, और प्राधिकरण से भी कहा है कि लोगों को आवागमन में दिक्कत ना हो, जितने भी कनेक्टिंग रोड हैं उन्हें वो चौड़ीकरण करा दें, जिससे कम से कम असुविधा लोगों को हो, तो बहुत शीघ्र आपको नज़र आने लगेगा वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो सभी समस्याओं के बारे में जो मूलभूत हैं उसके बारे में विधायक जी ने बताया, आगे कार्यक्रम है, देखते हैं क्या कुछ होता। इस अवसर पर जेवर विधायक ने अनेकों समस्याओं को लेकर आए लोगों की समस्याओं का समाधान कराया। जेवर प्रेस से बात करते हुए आज उन्होंने जेवर एयरपोर्ट और क्षेत्र पंचायत के इस कार्यक्रम के बारे में बात की। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी पहाड़िया के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन भी कराया, जिसका मुन्नी देवी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। क्षेत्र पंचायत की बैठक में ग्राम प्रधानों एवं BDC मेंबर्स के साथ क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों को लेकर मंत्रणा की गई। साथ ही 1.5 करोड़ के होने वाले विकास कार्यों का प्रस्ताव भी पारित किया गया। BDC मेंबर्स और ग्राम प्रधानों की मौजूदगी में ठाकुर धीरेंद्र सिंह ने
एक बार फिर सभी ग्रामवासियों के साथ मिलकर उन्हें सहयोग करने और विकास कार्यों को कराने का हर संभव प्रयास कराने की बात कही। समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।